हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, झारखंड स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग का टू रहने वाला है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। फर्स्ट क्लास हम लोग का हो चुका है, आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। ठीक है, यदि आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। आज भी हम लोग का उसी का पार्ट टू रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आपको ये टारगेट किसके लिए किया गया है? तो जेएसएस सीजीएल के लिए टारगेट किया गया है। इसमें इसमें आपको क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, विथ ट्रिक के साथ। आपको साथ में क्या मिलेगा? इसमें ट्रिक भी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे पैड बैचेस कुछ चल रहे हैं, जिसमें आपको जेएसएससी और जेपीएससी के लिए ये बैचेस हैं। आप जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कितना में मिलेगा? 1399 में मिलेगा। ठीक है, आप यदि संपूर्ण कोठा पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप इसमें इनरोल होकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 599 रुपये में। ठीक है, तो 599 रुपये में पूरा एकदम आपको कोठा मिल जाएगा बैच यहाँ पे। और यदि आप संपूर्ण झारखंड पढ़ना चाहते हैं, जो कि हमारे उदित सर हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं झारखंड में, तो आप इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं 569 रुपये का। ठीक है, ये कोर्सेस आपको क्या करेंगी? आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर फंडामेंटल, ये फाउंडेशन बैच है ये, इसमें आपको कितना में? 299, मात्र 299 हमें आपको फाउंडेशन बैच मिलने वाला है कंप्यूटर का। ठीक है, यदि आप हिंदी भाषा लेना चाहते हैं इसका कोर्स, तो इसमें भी इनरोल हो करके आप मात्र 848 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर हमारा चालू हो चुका है अनअकैडमी ऐप पे, जो कि करंट अफेयर स्पेशल झारखंड के लिए होगा। तो आप इसमें भी इनरोल करके आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, झारखंड शिक्षक भर्ती 2023 द्रोणाचार्य बैच में आपको कितना लग रहा है? 2499, तो इतना डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो आप इसको भी परचेज करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। जेपीएससी फाउंडेशन बैच, आपका फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हो चुका है जेपीएससी का, जिसमें आपको केवल 5499 में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से इस कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोर्स को परचेज करेंगे तो हमारा कोड है SKD10। आप SKD10 को यूज करेंगे, हमारा कोड है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग सवाल पे आते हैं। परसेंटेज, तो परसेंटेज के बारे में यदि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो हम लोग जानते हैं कि 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 100%। कोई भी चीज 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 100% होता है। और यदि इसको अच्छे से समझे तो सर्कल के से समझ सकते हैं, ये कंप्लीट सर्कल एक क्या है? 100% है। कंप्लीट सर्कल क्या है? 100% है। यदि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और इस पार्ट के बारे में बात बात करें, तो ये कितना हो गया? 50% हो गया। मतलब ऊपर वाला 50% है, नीचे 50% है। तो बस इसी तरह से आपको परसेंटेज, परसेंटेज क्या बताता है? एक रेशियो बताता है किसका। तो जो हम लोग एक को डिवाइड करते हैं दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, इसमें तो ये सारी चीजें। तो एक का इतना होगा, 1/2 का कितना होगा? 50% होगा। 1/3 का कितना होगा आपका? 33 पूर्णांक 1/3 हो, 1/3% होगा। 1/4 कितना होगा आपका? 25% होगा। 1/5 कितना होगा आपका? 20% होगा। इस तरह से आप लोग को याद भी होगा, और जिनको याद नहीं है वो कम से कम तो 1/20 तक आप याद कर लेंगे, तो क्या होता है? 5% होता है। ठीक है, तो आपकी ये कॉन्सेप्ट जनरेट होगी, और कॉन्सेप्ट जब जनरेट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे ट्रिक काम करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग केवल सवाल, ये सवाल से डिस्कस करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में 15 सवाल तक डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग का सवाल नंबर 16 से रहने वाला है। ठीक है, चलिए, फिर 15 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में हो चुका है, आज का जो क्लास रहेगा हम लोग का
16 नंबर का क्लास रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 16। यदि बिजली के बिल को समय पर जमा किया जाए तो 7.5% की छूट दी जाती है। एक व्यक्ति बिल पर इतना की छूट प्राप्त करता है तब बिल की राशि क्या होगा? ठीक है, ज्ञात करें। अब हो रहा है कि इतना क्या, इतना समय पर जमा करना है, कितना आपको जमा करना है, 7.5%। 7.5%, अब 7.5% का वैल्यू हमें एक दे रखा है 16.50 रुपया दे रखा है। अब जिस जब हम लोग यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिल की राशि कितना होगा, यदि हम लोग इसका 100% निकाल देंगे तो हमें बिल की राशि मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे यदि आप 1% को निकालते हैं, 1% को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16.50 डिवाइडेड बाई 7.5, और 100% निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यदि 100% निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 3 से काटेंगे। अब 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 और 2 22, 220 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे आसान सवाल रहते हैं, कभी कभी हमें ये फंसाने के लिए दे रखते हैं और समझ नहीं पाते और वहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ऐसे सवाल JSSC में आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 17, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? देखिए यहाँ पे कितना आसान सवाल पूछा है कि 20% आपका किसी संख्या का, कोई भी संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि x का 20% आपका कितना हो, 120 हो, तो बोल रहा है कि 120% कितना होगा। तो 20% की जगह क्या दे रहा है, 120% ले रहा है, तो ये बोल रहा है संख्या कितना होगा, तो बताइए कितना होगा, 20 से कितना ज़्यादा है, इसको गुना करेंगे 6 गुना है, तो 6 × 12 120 हो गया, तो यहाँ भी आप 6 गुना कर दीजिए, 12 × 6 कितना हो गया, 72, 720 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ पे, सही आंसर है। ठीक है, हाँ, तो इसको कैसे किए हो रहा था, यदि इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखें, सबसे पहले तो ये 20% दे रखा है और आपको 120 पूछ रहा है, कितना गुना है, 6 गुना है, तो 6 गुना इसमें भी कर दिए, आंसर हम लोग का आ गया। यदि हम लोग दूसरा मेथड देखें कि दूसरा मेथड से कैसे बनेगा, ये तो हम लोग का शॉर्ट ट्रिक था। अब सेकेंड मेथड हम लोग का क्या है कि एक संख्या 20, कोई एक संख्या है जो 20% है, वो कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 6 बना, तो इज इक्वल टू 6, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 2 0 आ गया। तो x का मान कितना है आपका, 600 है, x का मान कितना है आपका, 600 है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, 120 का मान, तो 600 का हम लोग 120% निकाल देंगे, 120% निकालेंगे तो इस परसेंटेज के बदले 2 0 हट जाएगा, 12 × 6 कितना हो गया, 72, 12 × 6 कितना हो गया, 72, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते थे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग, अगला सवाल है 18 नंबर, और है कि एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25 आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ कितने हैं, 25 हैं, और आम के पेड़ों की संख्या कितना है, अच्छा, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% क्या है, सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए, तो नारियल का कौन कौन सा पेड़ है, यहाँ पे नारियल का पेड़ है आपका, और आम का पेड़ है, और सेब का पेड़ है, तो नारियल का पेड़ है, आम का पेड़ है, और सेब का पेड़ है, तो हम लोग को बोल रहा है कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो हम लोग सबसे पहले कुल पेड़ों की संख्या x मान लेते हैं,
एक्स मान लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 60% किसका है, 60% है आपका किसका, तो नारियल का पेड़ है 60%, और 25% किसका है, तो 25% आम का पेड़ है, 25% आम का पेड़ है, और 20% किसका है, तो 20% आपका सेब का पेड़ है, 20% किसका है, सेब का पेड़ है, और ये दे रखा है कितना, टोटल 1500 है, टोटल कितना है आपका 1500 है, ठीक है। तो यदि आपको परसेंटेज जो अभी हम शुरू में बताएं, यदि वो परसेंटेज आपको याद हो, कौन सा परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कि 1/4 का कितना होता है, 25% होता है, तो 3/4 का कितना होगा आपका, 75% होगा, ठीक है, 1/5 का कितना होगा आपका, 20% है, तो गुना कर रहे हैं तो 2/5 का कितना हो जाएगा आपका, 40% हो जाएगा, मतलब इसको 2 से डबल कर दे रहे हैं, इसको डबल कर दिए तो ये आ गया आपका, इसको डबल किए, ये ट्रिपल किए तो ये आ गया आपका, फिर 3/5 को करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, मतलब 1/5 का 20 है तो 20 ये कितना हो गया, 60 हो गया, 4/5 करेंगे तो कितना हो गया आपका, 80% हो गया। बस ये सब चीज़ें आप लोग को करना आना चाहिए ताकि ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को उसमें यूज़ कर सके, ठीक है। चलिए तो इस सवाल में यही कर रहा था कि 60% है तो 60% हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी जैसे देख रहे हैं 60% को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं, यदि ये यूज़ करेंगे तो सवाल आसान होंगी, ठीक है। तो 3/5 कितना है, 5 यूज कर रहे हैं, 25% का 1/4 यूज कर रहे हैं, और 20% का 1/5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया आपका है, 1500 है, कितना है 1500 है, तो आप यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 5 = 15, 500 मिलेगा, और यहाँ से 25 × 25 = 100, 25 × 25 = 100 हो गया, तो x का वैल्यू आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 50,000, तो 50,000 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जैसे देखिए यदि आपको वैल्यू याद हो तो ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से सवाल को कर सकते थे, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे सवाल को कर सकते थे यदि ये याद हो तो, और याद नहीं है तो फिर आप इसको काट छाट करिए और फिर आंसर लाइए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर 19 क्या है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले, 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं, ठीक है, और 25% नीला, 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तब काले गोलों की प्रतिशत क्या है। मोस्टली ये क्या है, इस तरह के सवाल अक्सर आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेगा, किसमें मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में मिलेगा, लेकिन परसेंटेज में डाल दिया, इसका प्रतिशत निकालने बोल दिया है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि 100 नीले कौन सा निकाल रहा है, तो नीला निकाल रहा है और लाल निकाल रहा है, तो नीला और लाल निकाल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि 100 में कितना निकाल रहा है, 25 निकाल ले रहा है, तो कितना बच रहा है इसका, 75 बच रहा है, कितना बच रहा है, 75% बच रहा है, तो 75/100 लिख देते हैं, प्लस और किसको निकाल रहा है, लाल निकाल रहा है, तो लाल का कितना है, 50 है, और 50% और निकाल ले रहा है, तो 50% बच रहा है, कितना बच रहा है इसका, 50% बच रहा है, ठीक है, 50%, और काले गोला कितना है, 50 है, इसमें कोई नहीं निकाल रहा है, तो ये हम लोग टोटल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, 75 + 25 हो गया प्लस 50 हो गया, 75 × 25 = 100, और ये टोटल 150 आपका आ गया। 150 क्या लाए हैं हम लोग, 150 लाए हैं टोटल बचा हुआ फल, जो भी ये क्या है, गोला, अच्छा गोला है, टोटल बचा हुआ गोला कितना है, 150 है, और आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है काले गोले का प्रतिशत कितना है, तो काला गोला कितना है आपका, 50 है, तो 50/150 करेंगे गुने 100%, गुने 100%, यहाँ से 50 दिया क्या करेंगे, 150, 1/3, 1/3 का आंसर होता है 1/33 पूर्णांक 1/33,
33.1/3% एंड ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी तो ये बहुत ही आसान सवाल होता है, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 25% निकाल दिया तो 75% बचा, और 100 का तो 100 का परसेंटेज वही होता है। 100 में से कोई भी चीज निकालेंगे तो वही चीज आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से 75 बना, यहाँ से 50% का आधा करेंगे तो कितना होगा आपका, 50% का आधा करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो 75 25 100 हो गया, और 50 150 150 50/150 डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग का है 20 नंबर। 40 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो जाता हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा बताइए। 40 लीटर का तेल का एक कंटेनर था, नुकसान कितना हुआ, 8%। 8% का नुकसान हुआ तो बचा कितना, तो 92%। और 92% का निकाल देंगे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, 4 × 2 = 8, लास्ट में 8 होगी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे सवाल को ऐसे ही करेंगे। 8% का उसका नुकसान हो गया, 8% वह कट चला गया। जब 8% वह खत्म हो गया तो अब तेल कितना बचा है, तो 92% बचा है, 92%। अब 92% इसका निकाल देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ यूनिट डिजिट का प्रयोग किया है कि 4 × 2 = 8, 8 लास्ट में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में ही 8 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ये अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है कि 72 ग्राम 3.6 kg का कितने प्रतिशत का होता है। चलिए अक्सर ये सब सवाल में गलतियां होती है, इसलिए इस सवाल को लेकर के आए हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 72 ग्राम 3.6 kg का, केजी का कितना परसेंट है। अब बताइए ये परसेंटेज है डायरेक्ट, लेकिन जब यूनिट सेम रहेगा तभी परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में, या इसको केजी में या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यदि हम लोग इसको ग्राम में ही रहने देते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से, 1000 ग्राम से इसको गुना कर देंगे, 1000 ग्राम से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट के बदले 10 चला गया, 100 के बदले 100 चला गया, 36 × 2 कितना हो गया, 72 हो गया, यानी कि 2%। आंसर क्या आया, 2% आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 हम लोग का है, यदि x का 125% 100 हो तो x का मान, बहुत ही सिंपल सवाल है कि x का 125% कितना हो, 100 हो तो बोल रहा है कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, x का मान आप निकालेंगे तो 100 है, परसेंटेज के बदले फिर से 100 आएगा और 125 आएगा। यदि वैल्यू याद होगा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 25 होता है, और 5 से इसको गुना कर देंगे, 5 से इसको गुना कर देंगे दोनों साइड तो आपका आ जाएगा 5/4 का कितना आ जाएगा, 125% आएगा। तो यदि ये आपको आता हो निकालने तो सवाल यूं ही बन जाएगा। ठीक है, सवाल ऐसे ही बन जाएगा, यदि नहीं आता है तो फिर आप इसको काटेंगे, 25 × 5 = 125, 25 × 100, फिर 5 से काटेंगे तो 20 × 100, और आपका कितना आएगा, x का वैल्यू 80 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 23 है, एक टीम ने 40 खेल खेले, ध्यान से समझिएगा, एक टीम ने कितना खेला है, 40 खेल खेले हैं, और उनमें 24 जीते हुए, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत। चलिए बहुत ही आसान है, जीता हुआ हारा हुआ पूछता तब हम लोग बताते,
जीता हुआ पूछा है, जीता हुआ 24/40 गुने 100%। यदि यहाँ पे हारा हुआ पूछता तो 40 में पहले 24 को घटाते फिर उसका प्रतिशत निकालते, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 10 से 10, 6×6=24, आपका कितना आ गया, 60% आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। हारा हुआ पूछता तो क्या बोलते, हारा हुआ में पूछता तो 26/40 हो जाता, मतलब सॉरी 16/40 हो जाता, 40 में 16 को घटा देंगे, 24 को घटा देंगे तो 16 बचेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 24 क्या है हम लोग का, यदि 1 घंटे का वाई परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है तो वाई बराबर क्या है। देखिए यहाँ आपको परसेंटेज, ये मकसद नहीं है इसका कि परसेंटेज आपको सिखा रहा है, ये बता रहा है आपको यहाँ पे क्या करना है कि मिनट है, सेकंड है और घंटा है ना, आवर्स है, मिनट है और सेकंड्स है, इस पर काम करना है आपको। तो बोल रहा है कि 1 घंटे का, अब बोल रहा है कि 1 घंटे का, 1 घंटा को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे इतना से है, 1 घंटे का 1 आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 60 मिनट होगा, 60 मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड होगा, और इसका कितना दे रखा है, वाई बट्टा 100 दे रखा है, वाई परसेंट दिया हुआ है ना, और ये बराबर बोला है 1 मिनट 72 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 और 12 कितना हो गया आपका, 72 सेकेंड हो गया, सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, 6×36 दुना कितना हो गया, 72, वाई बराबर 2 हमारा आंसर है, मतलब 1 घंटे का जब हम लोग 2% निकालेंगे, 1 घंटे का 2% निकालेंगे तो कितना बराबर आएगा, 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 25, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा, 25/2 का x प्रतिशत है तो x प्रतिशत कितना है आपका, 150 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। एक 25 चौक कितना हो गया 100, 4 दुना 8 तो 8 गुने क्या करेंगे 15, 8 गुने क्या करेंगे 15, तो 15 ठीक कितना हो गया आपका 20 से 1200। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का 26 नंबर, कि 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत, 1206 का एक तिहाई जो है वो 134 का कितना प्रतिशत है ना, 134 का, तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग 1200, और किसका पूछा है, 134 का पूछा है कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है तो 100%, यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 402 मिलता है मतलब ये बोला है 402, ये बोला है कि 402 जो है वो 134 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। यदि इसको हम लोग 3 से काटते हैं तो ये कट जाता है 3 बार में, कितना बार में कटता है 3 बार में, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 300%, कितना होगा 300%, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। हाँ, 3 से काट के देख सकते हैं 300 है, 300 हो गया, और 34 दिया कितना हो जाएगा 102, तो 102 402 हो गया, 3 बार में कटी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए सभी को क्लियर है, हाँ छोटा छोटा सवाल आ रहे हैं, टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, फिर हम लोग आएंगे टाइप 2 में। टाइप 1 का हम लोग का 2 क्लास है, पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं 15 क्वेश्चन तक, और आज का क्लास जो है वो दूसरा क्लास है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है, या फिर 12 क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग का टाइप 2 में जब पहुंचेंगे तो टाइप 2 में हम लोग का अलग ही चीज आएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या बोला है, 27 नंबर सवाल क्या बोला है, 1% के आधे को दशमलव के रूप में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। कभी कभी सवाल इसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है, बोल रहा है कि 1% जो है 1%, तो 1% को क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं,
1/100 को आधे दशमलव के रूप में, अब इसको आधा कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि इसका दशमलव के रूप में लिखें तो क्या होगा, तो 1/200 को आपको दशमलव के रूप में लिखना है, 1/200 को दशमलव के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, 0.0 है ना, 0.10 आया, फिर से 0 लगाएंगे तो आएगा, फिर से 0 लगाएंगे फिर आएगा और 5 आएगा, तो 0.005 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया था, आप यहाँ पे 0.2 भी मार सकते थे, 0.B ऑप्शन भी मार सकते थे। लास्ट सवाल हम लोग का है, 28 नंबर सवाल है, 65 ग्राम 2 केजी का कितने प्रतिशत के बराबर है, चलिए जल्दी से बताइए आंसर इसका कितना होगा, ऐसे सवाल अभी हम लोग कर चुके हैं ग्राम वाला, तो देखिए 65 ग्राम 2 केजी का, तो 2 केजी नहीं 2000 ग्राम लेंगे, मतलब 1000 ग्राम से इसको गुना करेंगे और ये क्या होगा 100%, 100 से 20 कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पे बचा है क्या, इसको डिवाइड कर देते हैं 65 का आधा आपका कितना होगा 37.36, हाँ 35 दुना कितना होता है 70 हो गया ना, अच्छा 65 आपको लेना है, एक मिनट, 65 रुपये का आधा कितना होगा आपका, तो 32 दुना 64 होता है, 32 दुना 64 होता है और 0.5 लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या 0.5, हाँ और मल्टीपल में क्या है आपका, डिवाइड में क्या है आपका 100 10, डिवाइड में 10 है, तो ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके पास आने की, फिर से ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो 325 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और 5 से काटेंगे, 5 ये इसको हम लोग 100 से काट से पॉइंट में आंसर देता तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट में निकाल देते आंसर, है ना, पॉइंट में हम लोग आंसर डायरेक्ट इसको निकाल देते, लेकिन यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऑप्शन को ही पॉइंट में बदल दीजिए 65/2, अच्छा हमें तो इतना करना ही नहीं था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 65.2%, अच्छा कर लेते हैं एक बार, ये आ रहा है हम लोग का क्या 3.25 आ रहा है, 3.25 आ रहा है और इसको हम लोग 65/4 होना चाहिए था ना, अच्छा चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है, हाँ इसी को कर लेते हैं, 325 बट्टा कितना है आपका 100 है, 25 से काटेंगे इसको तो 25 दिया 150 और 25 छक 150 या फिर डायरेक्ट काटिए इसको, 25 से कम 25 कितना बचा 7, तो 25 दिया 75, 13 बार में कटा और ये कितना बटा 25 छक 100, 13/4 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही आंसर है, ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप 2 पे और टाइप 2 जबरदस्त क्लास रहने वाला है आपका, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप पे एप्लीकेशन पे तो आप मॉर्निंग में 7 बजे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसमें आपको स्पेशल क्लास में बिल्कुल फ्री आपको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी क्या चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है स्पेशल क्लास में आपका, किसमें, तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे सुबह 7 बजे, ठीक है, और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाली है कि ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई चार्जेज इसमें नहीं है, ठीक है, चलिए तो हमारे साथ 7 बजे जुड़ सकते हैं आप अनअकैडमी ऐप पे और 2 बजे जुड़ सकते हैं आप 2 PM में यूट्यूब पे, 2 PM में आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ और 7 बजे अनअकैडमी ऐप पे, आप यदि अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे
तो आप जेपीएससी के कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। जेपीएससी के कैटेगरी में जाएंगे तो वहां हमारा प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।